प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक धनुष क्लास दूसरी का पाठ एक सबसे सुंदर पढ़ेंगे। ये एक कहानी है। हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उनका अपना अपना कार्य होता है और हमें हमारे शरीर के किसी भी अंग को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। आइए कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले जंगल में एक सुनहरा बारहसिंगा रहता था। उसके शरीर की तरह ही उसके सींग भी बहुत सुंदर और मजबूत थे। जंगल के सभी पशु पक्षी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे बारहसिंगे को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया और वह अपने संगी साथियों को छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमने लगा। एक दिन वह पानी पीने के लिए तालाब पर गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। पानी में अपनी सुंदरता देखकर वह खुशी से झूम उठा। तभी अचानक उसकी दृष्टि अपनी टांगों पर पड़ी। उन्हें देखते ही बारहसिंगा उदास हो गया। उसने सोचा, मेरे शरीर और सींग जितने सुंदर हैं, उतनी ही मेरी टांगे पतली और भद्दी हैं। काश मेरे शरीर और सींगों की तरह मेरी टांगे भी सुंदर होती। वह अब इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी कुछ खूंखार शिकारी कुत्ते वहां आ गए। उन्हें देखकर बारहसिंगा घबराकर भागने लगा। उसे देखते ही शिकारी कुत्ते भी उसका पीछा करने लगे। भागते भागते एक जगह पर बारहसिंगा के सींग झाड़ियों में उलझ गए। उसने उन्हें झाड़ियों से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह उन्हें निकाल नहीं पाया। इतनी देर में उसे शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज पास आती हुई सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही बारहसिंगा ने अपनी टांगों का बल देकर अपने सींगों को जोर से खींचा। तुरंत ही उसके सींग झाड़ियों से निकल आए। सींगों के निकलते ही वह तेजी से दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते जब वह शिकारी कुत्तों के पांव से बहुत आगे निकल गया, तब वह एक जगह सांस लेने के लिए रुका। हाफते हाफते उसका ध्यान अपनी टांगों पर गया। इस समय उसे अपनी पतली और भद्दी टांगे ही सबसे सुंदर लगी। इसी कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने शरीर के अंगों को कभी भी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इस कहानी में हमने पढ़ा है, बारहसिंगों ने कैसे भागने के लिए अपनी टांगों का प्रयोग किया, उसी प्रकार आप भी अपने शरीर के सभी अंगों से कोई ना कोई कार्य करते होंगे। धन्यवाद।